फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, टेक्सोनोमिकल एड को लेकर क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें यहाँ पर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। आइए यहाँ देखते हैं इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हर्बेरियम को लेकर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। हर्बेरियम की अगर हम बात करें तो हर्बेरियम जो होता है एक टेक्सोनोमिकल एड है और ये हर्बेरियम जो है कलेक्शन है प्लांट स्पेसिमेन का। यहाँ पर ड्राइड प्रेस प्लांट को हर्बेरियम शीट पर कलेक्ट करके रखते हैं, तो यहाँ पर जो प्लांट के स्पेसिमेन का यहाँ पर यूज करते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हर्बेरियम जो है एक ऐसा हाउस है, या इसे ड्राई हाउस भी बोलते हैं, जहाँ पर ड्राइड प्रेस और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन्स को रखा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट है। सेकेंड अगर हम यहाँ बात करें, बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस। यस, बॉटनिकल गार्डन्स की अगर हम बात करें तो बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, प्लांट्स को, और वो प्लांट्स का ग्रो कराया जाता है, तो इसका मतलब क्या है, कलेक्शन है इसका लिविंग प्लांट का फॉर रेफरेंसेज एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। तो यहाँ पर बी हो गया इसका राइट। सी की बात करें, अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अगर हम बात करें यहाँ पर बायोलॉजिकल म्यूजियम्स की, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको उनके प्रिजर्व फॉर्म में रखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फोटोग्राफ नहीं, यहाँ पर तो ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। की इज अ टेक्सोनोमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। जो की है, की भी एक टेक्सोनोमिकल एड है और इसका यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बेस्ड है किसके ऊपर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी, दिवाली भी सही है। हमसे यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। तो हमारी सी में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा सी।